आज की मांग 166। उत्तर भारत में रामसुख दास जी महाराज नामक एक बहुत बड़े भागवत संत हो गए। उन्होंने कहा, मैं कभी किसी को भी बुरा नहीं समझूंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वथा मीन सभी प्रकार से सब समय सबके लिए बुरा नहीं है। हो सकता है हमारा स्वार्थ सिद्ध न हुआ हो, या तो हमसे उनकी विचारधारा न मिलती जुलती हो, तो हमारे लिए वो बुरा हम मानेंगे, लेकिन वो सबके लिए बुरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो हम क्यों उसको बुरा ही मान ले। 1993-94 की बात है, गुरु जी ने मुझको और पूज्य वाला स्वामी इत्यादि संतों को बेंगलोर में संस्कृत शिक्षण के लिए भेजे थे। तो वहाँ एक परम भागवत परमहम संत श्री रंगप्री दास जी महाराज थे, बड़े अच्छे रामानुजी परंपरा के संत थे, बड़ा प्रेम से पढ़ाते थे। तो एक दिन कुछ हम लोग पढ़ा करते थे, रघुवंश का कुछ पाठ चलता था, उसमें राम रावण युद्ध की बात चली और रावण का कुछ कालिदास ने जोर शोर से वर्णन किया और मैं इधर उधर की बात बोलने लगा, ये कितना खराब आदमी, अरे स्वामी जी महाराज गुरु जी क्या बात करें। जैसे ही मैं इधर उधर बोलने लगा, वे चुप हो गए। जब मैंने सब कुछ रावण के बारे में बुरा बुरा कह दिया, तब उन्होंने बड़ी शांति से संतत्व अभिव्यक्त करते हुए कहा, देखिए स्वामी जी, रावण भी बड़ा भक्त था, भगवान के वैकुंठ धाम का पार्षद था, शाप वशात ऐसा हो गया, लेकिन वो दोबारा भी भगवान का भक्त ही बन गया। देखिए किस में से गुण बताया, रावण में से। मैं बहुत बड़ा शर्मिंदा हुआ कि स्वामी जी महाराज की कितनी बड़ी दिव्यता है। इसलिए ये बात हम सभी के लिए बहुत अच्छी है, कभी किसी को बुरा मानने की जल्दबाजी हम कभी न करें, क्योंकि वो सदैव बुरा नहीं होता, सर्वथा बुरा नहीं होता, सबके लिए बुरा नहीं होता, कोई न कोई प्रकार से तो अच्छा होगा ही। हम अच्छाई के पुजारी है या बुराई के, हम क्यों बुराई ही दिखा करते हैं, सुना करते हैं, किसी को कहा करते हैं। हम अच्छाई ही दिखेंगे, कहेंगे, सुनेंगे।